चले अब एक सीधे रुक कर देते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो राजधानी जयपुर के तुंगा से सामने आ रही है। तुंगा थाना इलाके के अंतर्गत एक आवासीय विद्यालय के अंतर्गत पैंथर की घुसने की सूचना अभी हाल फिलहाल सामने आई थी और इसी की सूचना के ऊपर पैंथर की मौजूदगी बाथरूम के अंदर बताई जा रही थी। उसकी मौजूदगी बाथरूम के अंदर तो बताई जा रही थी लेकिन सूझबूझ के साथ में उसे बाथरूम में ही बंद कर दिया गया और वहीं प्रशासन को इसकी सूचना भी दी गई। प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन मौके पर पहुंचा और ट्रैकुलाइज करके पैंथर को बेहोश कर दिया गया। बेहोश करने के बाद में पैंथर को राजधानी जयपुर के प्रॉपर सिटी के अंतर्गत लाया गया है और आखिरकार क्या कुछ ये मामला बयां कर रहा है, किस प्रकार से इस पैंथर को पकड़ने में किस किस ने कामयाबी हासिल करी है और कैसे वहां पे दहशत का माहौल नजर आया था, सीधा मैं आप सभी को हमारी इस रिपोर्ट से दिखाऊंगा। तो नजर डालते हैं इस रिपोर्ट के ओर। जयपुर के तुंगा थाना इलाके के बिहारीपुरा स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय के अंदर घुसे पैंथर को आखिरकार रेस्क्यू टीम ने ट्रैंकुलाइज करके पिंजरे में कैद कर लिया है। पैंथर के पिंजरे में कैद होने के बाद में विद्यालय के स्टूडेंट्स, स्टाफ व ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, साथ ही 5 घंटे के बाद में दहशत से निजात भी मिली है। जानकारी के अनुसार भोजन पानी की तलाश में भटक करके पैंथर यहाँ एकलव्य आवासीय स्कूल में घुस गया। स्कूल में पैंथर को देख करके स्टूडेंट्स व स्टाफ में काफ़ी हड़कंप भी मच गया था लेकिन उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए पैंथर को बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद मौके पर वनकर्मी पहुंचे लेकिन संसाधनों के अभाव में वे मुखदर्शक बने रहे और बाद में जयपुर शाही रेस्क्यू टीम ने ट्रैकुलाइज करके पैंथर को बेहोश किया, फिर उसे पिंजरे में कैद कर लिया और जयपुर प्रॉपर ले आए। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।